नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग के सभी घटक दल मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेंगे और जीत हासिल करेंगे। भारत में कोविड 19 के मामले रविवार को 30 लाख के आंकड़े को पार कर गए, जबकि 16 दिन पहले यह संख्या 20 लाख के पार पहुंची थी। देश में अब तक 22,80,566 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, जिससे मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 74.90% हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ है और अभी वह वेंटिलेटर पर ही हैं। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने रविवार को यह जानकारी दी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की छोटी बेटी ने अपने पासपोर्ट में अपनी मां का नाम बदलकर महबूबा सैयद करने की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बहन और पूर्व न्यायाधीश मैरियन ट्रंप बेरी को शनिवार को रिलीज हुई कुछ रिकॉर्डिंग में अपने भाई की तीखी आलोचना करते हुए सुना जा सकता है। एक रिकॉर्डिंग में उन्होंने यहां तक कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का कोई सिद्धांत नहीं है। चीन ने अपने जीक्यूयान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से रविवार को एक नए ऑप्टिकल सुदूर संवेदी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। गैंगरेप केस में समझौता करवाकर 30 लाख रुपए लेने के आरोप में पानीपत पुलिस ने कांग्रेस के जिला संयोजक और पूर्व प्रदेश सचिव सुनील बिंजोल को पानीपत कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पुलिस ने 10 दिन का रिमांड मांगा, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड मंजूर किया है। गुड़गांव में गुड़गांव सोहना रोड पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा शनिवार रात गिर गया। सोहना रोड पर बनाए जा रहे 6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड फ्लाईओवर के नीचे मजदूर काम कर रहे थे, 2 घायल हैं। गनीमत ये रही कि इस दौरान देर रात होने की वजह से ट्रैफिक कम था। प्रदेश सरकार ने भले ही शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन घोषित किया हो, लेकिन हरियाणा में रविवार को पीटीआई शिक्षकों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई। लिखित परीक्षा देने के लिए चंद ही कैंडिडेट सेंटरों पर पहुंचे। कुरुक्षेत्र कैथल में सेंटरों के बाहर न के बराबर कैंडिडेट नजर आए। वहीं दूसरी तरफ पीटीआई शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।